Sexiest Bollywood Jodi, according to you. Sexiest Bollywood Jodi. Ooh. अच्छा सुनो यार, तुमने कहीं कहा कैटरीना गिव्स यू द बेस्ट एडवाइस. यस. किस बात पर? एक्चुअली जब भी मैं लाइफ में थोड़ी लो होती हूँ या मेरी लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा होता है तो ऑलवेज मैसेज है. बिकॉज जब हम ड्रीम टीम कर रहे थे यूएस में तो मेरी लाइफ में एक बहुत बुरा फेज चल रहा था. तो कैटरीना और मैं और कभी कभी वीडी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जाते थे. तो शी यूज़ टू गिव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस. तो मुझे वो आदत हो गई. तो जब भी मैं अभी कुछ लो होती हूँ तो मैं उसको मैसेज करती हूँ. हमेशा दो लाइन में मुझे कुछ बोलती है एंड इट जस्ट चेंजेस माई फ्रेम ऑफ माइंड. How sweet. Katrina, ke taali bajao. Absolutely. Thank you so much. Thank you, Katrina. Love you. Thank you, Katrina, for talking to Pariniti. Making me feel better. And yeah. Absolutely, Pariniti ne doctor ka kharcha save kiya. 3,000 rupees per session. Ek WhatsApp mein mil gaya. Yehi dekhe inki mentality hai. Paise batane ke chakkar mein. Free mein sab kuch. Sab kuch free mein. Shri Katrina. Acha suno, are you and the student of the year, Varun, all of you guys still in touch? Are you still, jaise pehle tum pehle interview mein aaya tha, are you guys still in touch and all? Of course, hum log kisi na kisi tarike se to socially ya kaam ke silsile mein milte rehte hain. Aur recently to shayad abhi tak mereko yaad nahi aa raha kab last time, but definitely all of us jo hai, Karan Johar bhi hai beech mein jo hamare sath, hamara unke sath kaam chalta rehta hai, to everybody keeps meeting. And Karan Johar waise bhi 15 partiyan phenkte hain har mahine. To ha, to mil hi lete hain. Ha, aap bhi jaati ho partiyon mein 15 wali? Ha, bilkul, jab invite ki jaati hu, main hamesha jaati hu. Invite karte hain wo aapko? Ha, isko pata nahi hai na. इनविटेशन भी नाम की चीज होती है भैया. मुझे तो कोई बुलाता नहीं के लोग जब इनविटेशन देते तभी आप जाते हो. ओ अच्छा, आप ऐसे नहीं चाहती जो मैंने सोचा आपके बारे में. अच्छा मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस पैपराजी कल्चर, जहां मुझे मालूम है कि परिणीति जिम के बाहर आती है, आप कहीं और चले जाते हैं, तो उसका क्या है? डू यू लाइक इट, डू यू एंजॉय, जब हमें मालूम होता है कि आप कहां छींक रही हैं, आप कहाँ जिम से आ रही है, क्या कपड़े पहनी हुई है? एक्चुअली सिड, ऑनेस्टली इसके बारे में मिक्स्ड फीलिंग्स है मेरी, क्योंकि ऑफ कोर्स एट इस तरह की डिजिटल एज जो एक्सप्लोर्ड हो गई है, जहाँ पे हर चीज़ के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है, आई गेस पापराजी मेक सेंस. लेकिन आई थिंक मैंने पिछले अपने 6-7 सालों के करियर में ही ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर्ड होते देखा है, जहाँ पे एक लेवल की थोड़ी सी प्रिवेसी एक्टर्स को होती थी, बट अब वो भी बिल्कुल जीरो हो गई है. सो ऑफकोर्स अगर पापराजी मुझे फॉलो नहीं करता तो शायद मुझे डिप्रेशन होता, बट दे आर देयर. तो इट्स मिक्स फीलिंग्स आई वुड से. जिम यार, सी यार, तुम्हें कैसा लगता है यार? आई थिंक सिमिलर, कि दो पहलू हैं इसके. जब एज लॉन्ग एज आप प्रिपेयर्ड हैं कई इवेंट्स में, एज लॉन्ग एज वो एक लाइन नहीं क्रॉस कर रहे हैं वेयर दे इन्वेडिंग योर प्राइवेसी, तब तक ठीक है. आई थिंक बढ़िया है, सबको अच्छा लगता है, सबको, सब हम सब भी फॉलो करते हैं. हमारे जो फोटोग्राफर वीरल और मानव है जो सबको पैक, मेरा कॉलेज का दोस्त है वीरल, आपकी कभी फोटो नहीं आई इस पे देखनी, तो हम आपको कभी नहीं देखते उस पे, क्योंकि वो सिर्फ एक्टर्स के लिए हैं, स्टार्स के लिए हैं. तो अच्छा लगता है. कभी एक दिन आएगा. एक दिन तेरा भी आएगा. I'm willing to smooch you for it. ताकि फोटो लगे. मैं इसको लेके जा रही हूँ. चलो जबरिया जबरिया कुछ भी अच्छा नहीं होता है बेटा. जबरिया कुछ भी अच्छा नहीं होता है. भाई मैं पप्पी देने के लिए तैयार हूँ, फोटो लगाओ. विरल लगा दे यार प्लीज, जैसे मैंने पप्पी ले ले प्लीज. नो इंटरव्यूज complete without mentioning Viral. अच्छा ये मुझे बता, मानव एंड परिणीति और जो तुम्हारी सिस्टर है प्रियंका जी, निक कैसे आ जाए? निक यहाँ पे हिंदी फिल्में करना चाहते हैं कि नहीं? Have you told him to calm down and do a Hindi film? नहीं, I don't know all this Hindi film, but he is definitely, वो बॉलीवुड गाने बहुत सुनते हैं एंड इवन वो लाइक शो से पहले उसका जो हाइप म्यूजिक है वो अब हिंदी हो गया. एंड हम लोग भी इतना जब भी पार्टी करते हैं हम लोग सिर्फ हिंदी. ही लव्स तारीफा एंड ही लव्स ऑल दी सॉन्ग्स. एंड अभी मैं बहुत जल्द उनको मिलने वाली हूँ, सो आई एम एक्साइटेड. टेल निक जीजू हाय फ्रॉम माय साइड एज वेल. अच्छा वो निक जीजू है तुम्हारे? पक्का ना? प्रियंका तुम्हारी बहन हुई फिर? हाँ यार. प्रणाम करिए, प्रणाम. ये शो है मेरे बाल के बारे में, मेरे भैया बहन के बारे में. अच्छा प्यार का रिश्ता है भैया. प्रियंका और निक हमेशा छुट्टी करते रहते हैं यॉट वॉट में. आई लव दैट लाइफ यार. भाई ऐसी लाइफ सबकी हो, तुम्हारे पास नहीं है. इसको वो ऐसा पेडलिंग बोर्ड. ओके जोड़ी कोई बात नहीं भैया, मैं तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगी एक दिन यॉट. अब देखो बहन बना लिया तो फिर अब मैं करके ही लाऊंगी तुम्हारे. आई विश तेरे भी बाल उड़ जाएं भाई. क्यों प्रार्थना करो अभी उससे? बहन का क्या चक्कर है? तू विक बहन के घूम. आई प्रे. सेक्सीएस्ट बॉलीवुड जोड़ी अकॉर्डिंग टू यू. सेक्सीएस्ट बॉलीवुड जोड़ी. ओह आई लव दैट. ओह एक बार और करो ना. ओह हां, शाहरुख काजोल, सैफ रानी, रणबीर, दीपिका,
Sid and me. Aha. I knew it. Thanks, darling. You and me all the time. ये वाला सीन. चलो भैया बैठ जाओ यार. आप थक गए होगे अभी. हाँ. बहन को शर्म नहीं आता देखो. हाँ. One jodi want to see together, यार. One jodi want to see together. I think Ritik and Aishwarya were lovely in Dhoom. अपनी दीदी परिणीति को यॉट गिफ्ट की. यॉट गिफ्ट किया. मेरी शक्ल को देखकर यहाँ बाइसिकल गिफ्ट करने की औकात नहीं है तो मैं यॉट कोई बिलीव करेगा क्या? ये सच है. अच्छा सुनो यार, तुम्हें घर में बोलते हैं क्या शादी वादी करो कि नहीं? बोलते कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं. मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं बोलते. दे गिवन अप. आई डोंट थिंक दे केयर अबाउट मी गेटिंग मैरिड गाइस. या ऐसे क्या तुम्हारे जाने से पहले अगले 5 साल बाद आई विश यू फाइंड अ ग्रेट गाय. डोंट कीप एक्स 5 साल बाद मतलब कि आई गेट मैरिड बाय देन. आई फाइंड अ ग्रेट. हां ठीक है. डोंट कीप एक्सपेक्टेशंस हाई ऑन व्हाट यू सी ऑफ मी. वो नहीं मिलेगा बट थोड़ा बीच में मिल सकता था. बट आई वांट टू मैरी अ बॉय नॉट लाइक एलियंस लाइक यू. आप तो लगता नहीं कि पुरुष हो. आप महापुरुष हो. आई न्यू इट वाज कमिंग. लेडीज एंड जेंटलमैन सिद्धार्थ मल्होत्रा परिणीति चोपड़ा. जोड़ी 2nd of August. देखो बहन के सामने ऐसा नहीं बोलते. बाय बाय गाइस. जबरिया जोड़ी 2nd of August.